तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी लोग का मेरे उदित एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत से अलग अलग कोर्स में आप लोग एडमिशन लेने वाले हो, जो भी अभी 12th कंप्लीट किया फिर 10th कंप्लीट किया, अलग अलग कोर्स में बात करें यहाँ पर हम हायर स्टडी की। तो लेकिन काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं और जो सकते हैं कि यहाँ पर एक एजुकेशन जो है बिजनेस बन गया, तो यहाँ पर काफ़ी गलत भी होता जाता है जो है स्टूडेंट के साथ। तो आप लोग एक सही कैसे कॉलेज चुन सकते हैं, इसी के बारे में जो है आज कुछ बातें बताते हैं आप लोग को। सबसे पहला देखिए, यहाँ पर बात करते हैं कॉलेज चुनने से, तो एक होता अप्रूव अफिलिएट कहाँ से जुड़ा हुआ है, कहाँ से अप्रूव है, तो ये आपको देखना जरूरी है। जैसे बात करें किसी भी टेक्निकल कोर्स में आप एडमिशन ले रहे तो AICTE अप्रूव है कि नहीं है। इसके साथ ही अगर आप फार्मेसी में एडमिशन ले रहे तो PCI यानी फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया अप्रूव जो है कि अप्रूव है कि नहीं है। किसी अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं या फिर जो है कि डी फार्मा कर रहे हैं तो किसी बोर्ड या फिर किसी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है और कितना सीट है, ये सब बातें आपको ध्यान रखना पड़ता है। जिस तरह से अगर आप नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं तो INC इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, किसी मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो MCI, तो इस तरह के अलग अलग जो है रेगुलेटरी बॉडी है जो कि वहाँ से अप्रूव होना चाहिए कॉलेज को। इसके साथ ही आपको एक चीज़ और ध्यान देना रहता है, सीट की, कौन से कॉलेज में कितना सीट है और कितना स्टूडेंट का एडमिशन लिया जा रहा है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ धोखाधड़ी हो जाता है कि जो है कॉलेज के पास सीट कुछ कम रहती है। एग्जाम्पल के लिए मेरे कॉलेज में सीट है 50 और हम ले लिए एडमिशन 60, इसीलिए एडमिशन 60 ले लेंगे कि कहीं ना कहीं अगर 10 बच्चे कहीं भाग भी जाते हैं, कहीं छूट भी जाते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के समय कहीं ना कहीं मेरा जो सीट है वो फुल हो जाएगी। लेकिन इसमें एक परेशानी भी हो जाती है, मान के चले कि 60 स्टूडेंट में अगर 60 भी मतलब फी पे करके और रजिस्ट्रेशन के लिए करवाए तो कॉलेज कहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाए, क्योंकि कॉलेज के पास तो सीट मात्र 50 ही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत से अलग अलग जगह से न्यूज़ आता है मुझे जो है सुनने को मिलता है कि जो 10 स्टूडेंट रहते हैं उनको क्या किया जाता है कि उसी जो है क्लास में रखा जाता है, दोबारा जब सेकेंड बैच स्टार्ट होता है तो उसके साथ उन लोग को जो है आगे की स्टडी कराई जाती है। तो यहाँ पे आप लोग का जो है टाइम बर्बाद होगा, वहाँ पे कोई अलग अलग रीज़न बता दिया जाएगा, कुछ अलग कंडीशन बता दिया जाएगा कि इस वजह से आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया या फिर आपका फॉर्म फिलअप किया गया लेकिन आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, तो ये नहीं है। मतलब जो अलग अलग प्रकार का वहाँ पे टेक्निक अपनाएंगे कॉलेज वाले, वो सबका अलग अलग कुछ रूल रेगुलेशन हो सकता है, एक तरह से बोल सकते हैं कि स्टूडेंट को यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो ये होता है जो हम बता रहे हैं आप लोग को, इसको आप लोग ध्यान देना पड़ेगा। अब कैसे ध्यान देंगे ये कहीं ना कहीं आपकी ही समस्या है, चाहे आप अपने किसी नियर अबाउट के कॉलेज में जाइए जो कि आपके एरिया में, बहुत दूर ना जाइए जहाँ पे कि आपको कुछ पता नहीं है कॉलेज के बारे में, फिर कुछ अच्छे कैटेगरी का कॉलेज है जिनके बारे में आपको पता है कि नहीं हाँ वाकई में एक अच्छा कॉलेज है, वहाँ जाइए। कुछ नए कॉलेज होते हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं रहता है, कहीं एडवर्टाइज देख लेंगे, एड देख लेंगे और उसके थ्रू पहुँच जाएंगे, तो वहाँ पे जो है थोड़ा ज़्यादा चांस रहता है कि आप उस कॉलेज के बारे में जान नहीं रहे हो, कोई वहाँ से आपका जो स्टडी नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत तो हो सकता है। ऐसा नहीं कि सभी कॉलेज इसी तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे बात करें तो मैक्सिमम कॉलेज जो है आजकल इस तरह के स्टूडेंट के साथ धोखाधड़ी करते हैं। फी वगैरह की तो अलग बात है, हम उसको किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जो यहाँ पर हम बात करें कितना सीट है और आप जिस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग है, जैसा कि हम बात करें फार्मेसी के लिए अलग, नर्सिंग के लिए अलग, मेडिकल के लिए अलग, कोई टेक्निकल कोर्स के अलग, पैरामेडिकल कोर्स के लिए अलग, चाहे आप LLB वगैरह करें तो बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया उसके लिए अलग हो जाएगा, मैनेजमेंट का कोई कोर्स करें तो उसके लिए अलग। तो यहाँ पे हर कोर्स का अलग अलग है, लाइक कि हर फील्ड का अलग अलग कोर्स है, तो अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग अप्रूव या फिर अपलेट की जरूरत है यहाँ पे। तो आप किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हो उसके बारे में एक सही और करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही आप एडमिशन कराइए। ऐसे नहीं कि हवा हवैया में गए और एडमिशन कर लिए, बाद में पता चला कि आपके यहाँ पे जो भी फी गई वो तो पैसे गया ही गया और आपका साथ में टाइम ही वेस्ट गया। पता चला कि आप नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपके कॉलेज का तो मान होता ही नहीं था, यानी कि वो एक फेंक कॉलेज था। तो ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, इसको विशेष ध्यान देने के बाद ही आप कहीं नए या फिर बात करें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने की, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में मोस्टली ऐसा कुछ चांस नहीं रहता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में ये होता है। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने तो इन बातों को जरूर आप एक बार ध्यान दे लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर किसी पर कुछ डाउट है, कोई आप दिमाग में जो है क्वेश्चन चल रहा है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा उसको। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।